राजनीति में महिला आरक्षण के साथ ही पार्टियों ने अपने महिला विंग पर फोकस करना शुरू कर दिया है। इसी कवायद के साथ लालू प्रसाद से मिले दिशा निर्देश के बाद राजद महिला प्रकोष्ठ ने भी अपनी गतिविधि तेज कर दी है। कोशिश यही है कि महिलाओं को अधिक से अधिक सशक्त कर सके और उन्हें राजनीति उन्हें की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। राजनीति में महिला आरक्षण की कवायद के साथ ही राजद में महिला प्रकोष्ठ की गतिविधि तेज हो गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने महिला आरक्षण के बाद पार्टी के महिला प्रकोष्ठ को सख्त हिदायत दी है। लालू प्रसाद ने महिला प्रकोष्ठ को साफ शब्दों में संदेश दिया है कि पार्टी में महिला प्रकोष्ठ को ज्यादा से ज्यादा धारदार बनाया जाए ताकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके। इसी कवायद के बीच बुधवार को राजद महिला प्रकोष्ठ की बैठक हुई। इस बैठक में सभी 24 जिलों के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। आज का उद्देश्य यही है कि महिलाओं को हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़वाएं और अधिक से अधिक सीट जीतकर महिलाएं विधानसभा में जाएं और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और जो महिलाएं पीछे रह गई उनको आगे लाने में उन लोग सहयोग करेंगी। इधर राजद ने विधानसभा की कम से कम 14 सीटों पर नजर गड़ा रखी है। पार्टी चाहती है कि महिला को धारदार बनाकर विधानसभा चुनाव में इनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। राजद अभी वैसे सीटों पर ज्यादा फोकस कर रहा है जिन सीटों पर उनके उम्मीदवार रहे हैं, मसलन कोडरमा, चतरा, विश्रामपुर, पलामू, गोड्डा आदि ऐसी सीटें हैं जिस पर राजद को लगता है यहाँ से उनकी जीत सुनिश्चित है। आरजेडी का झंडा लहराएंगे, ये हम दावा पक्का करते हैं और हमारी टीम बहुत मजबूत है और बहुत जोर शोर से हम काम कर रहे हैं, अपनी महिलाओं को आगे बना रहे हैं, अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बार तैयारी किए हैं कि चतरा जिला से राजद से सांसद जिताने का काम करेंगे, हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं, महिलाओं के एकजुट करेंगे और आगे बढ़ेंगे सबके साथ। राजद को आगामी विधानसभा में INIA के तहत कितनी सीटें मिलती है इस बात का जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन राजद चाहता है कि कम से कम 3 से 4 ऐसी सीटें जरूर हो जहां पर महिला उम्मीदवार चुनाव लड़े। अगर ऐसा होता है तो राजनीति में महिला आरक्षण का मामला सच के बेहद करीब होगा। रांची से कैमरामैन देवाशीष के साथ न्यूज 11 भारत के लिए जलाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।